आती है कि ये चर्चा हो रही है कि टीएस सिंहदेव जी ने लंच के बारे में बोला है, तो मैं तब भी मैं भाजपा की बात कर लेता हूँ, तो भारतीय जनता पार्टी को अपने कर्मों पर विश्वास है, जो 5 साल उन्होंने पढ़ाई की है उसके ऊपर विश्वास है, और जो पहले 15 साल उन्होंने काम किया था उस पर विश्वास है, और जीतने या हारने वाला कोई पार्टी नहीं होती है, कोई पार्टी किसी को जिता नहीं सकता या कोई पार्टी किसी को हरा नहीं सकती, हमेशा कोई जिताता है या हराता है तो जनता हराती है और जनता जिताती है, और जनता ये एनालिसिस कर चुकी है, जनता ये एनालिसिस कर चुकी है, आप कुछ भी कर लें जनता ये एनालिसिस कर चुकी है, और उसका जो निर्णय है वो सुरक्षित हो चुका है, वो 3 तारीख को अपने आप सामने आ जाएगा। पहले 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 इतना शेखी पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। दूसरी बात, अभी आप बोल रहे थे कि चाय पे चर्चा हो सक होती है, लेकिन ये लंच पे चर्चा तो पहली बार छूटा है, तो इनको लंच की इसलिए जरूरत पड़ी है कि अब छोटी छोटी गोलियों से कोई काम नहीं चलने वाला, अब कुछ बड़ा होना चाहिए जो कि छोटी छोटी गोलियां ये 5 साल फेंक चुके हैं। हमने हमने इनकी हेलीकॉप्टर की लड़ाई देखी है, हमने केंद्रीय पदाधिकारी के सामने इनकी माइक की लड़ाई देखी है, हमने ये भी देखा है कि एक विधायक जो है एक मंत्री पर जानलेवा की रिपोर्ट लिखाता है, हमने ये भी देखा है कि एक मंत्री का कोई कहना नहीं मानता है, एक और हमने ये भी देखा है कि वो मंत्री जिस विभाग का है जो मुखिया है उसको उसके कोर कमेटी में ही नहीं बुलाया जाता है, हमने सब देखा है, हमने ये भी देखा है कि ढाई ढाई साल की लड़ाई में कैसे परेड होती है, हमने ये भी देखा है कि घुटने के बल नीचे कैसे लोटपोट होके पड़े रहते हैं और शीर्ष नेतृत्व के पांव पकड़ते रहते हैं, हमने ये भी सभी देखे हुए हैं, और इसकी पटकथा जो है जो आज के ये लंच है ना, इसकी पटकथा आज नहीं हुई है चालू, इसकी पटकथा पहले ही चालू हो गई थी जब